नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर कैसे सिखाएं, जैसे कि नाउंस। जब बच्चे छोटे होते हैं तो ग्रामर का इंट्रोडक्शन सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ, बच्चों को सिखाना। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने बच्चों को नाउंस कैसे पढ़ाएं। नाउंस क्या होते हैं? नाउंस होते हैं नेमिंग वर्ड्स। आप बच्चे को ये दिखा सकते हैं कि आप किधर भी देखोगे, घर पे देखोगे, बाहर जाओगे, स्कूल जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं और हर एक चीज़ को नाम होता है। कोई भी चीज़ बिना नाम के नहीं होती है। तो जिसे भी नाम है वो एक नाउन है। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, जैसे कि मॉम, डैड, टीचर, पोस्टमैन, यहाँ तो एनिमल्स एंड बर्ड्स जैसे कि पिजन, क्रो, स्पैरो, या चीज़ें या जगहें, कहीं पर भी बच्चे को आप लेके जाते हैं या कोई भी चीज़ आप उसे दिलाते हैं एज अ गिफ्ट करके, तो भी बच्चे को आप बोल सकते हैं कि ये भी एक नाउन है। रियल लाइफ में उसे रिलेट करके, उन्हें पिक्चर्स दिखा के, जितना आप उन्हें बताएंगे बच्चे को और अच्छे से समझेगा। और बच्चे को ऐसा एक चार्ट बना के भी आप रख सकते हैं, चाहे आप कोई पेपर पे, कोई शीट पे आप ये बना के आप स्टिक कर दीजिए, तो जब भी बच्चा देखेगा ये चार्ट को तो बच्चे को फटाफट याद आएगा, हाँ ये बॉय है, ये गर्ल है, तो ये पीपल हैं, मतलब ये भी नाउन्स हैं। बच्चों को ये सिखाने का है कि नाउन्स में पीपल, प्लेस, थिंग, एनिमल्स एंड बर्ड्स ये आते हैं। तो जब बच्चा देखेगा, अच्छा फिश तो वो भी एनिमल है, कैट एनिमल है, बी वो भी एनिमल है, डॉग वो भी एनिमल है, तो ये सब नाउन्स हैं। बॉल वो भी एनिमल, सॉरी वो थिंग है, तो वो भी थिंग्स में आता है, तो वो नाउन है। टेबल नाउन है, स्कूल नाउन है, बीच नाउन है, मॉल, होटल, ये सब नाउन्स हैं। पोस्टमैन, टीचर, बुचर, सब जो है नाउन्स हैं। तो ये हमने अपने बच्चे को ऐसा पिक्चर्स के थ्रू सिखाया। अभी अगर बच्चों का प्रैक्टिस लेना हो तो हम उन्हें और अच्छे तरीके से इस तरीके से सिखा सकते हैं, जैसे कि नेम्स ऑफ पीपल आर नाउन्स, जैसे कि मदर, बेबी, डॉक्टर, टेलर। नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नाउन्स, जैसे कि पीकॉक, क्रो, आउल, कैमल। बच्चों को अगर आप कोई चीज़ दिलाते हैं, जैसे मैंने कहा नेम्स ऑफ थिंग्स आर नाउन्स, केक, बैग, क्राउन, बैट। नेम्स ऑफ प्लेसेस आर नाउन्स, जैसे कि लाइब्रेरी, टेम्पल, पार्क, बस स्टॉप, ये सब नाउन्स हैं। आप बच्चों को इस तरीके से बता सकते हैं। दूसरा तरीका है, जब आपको उन्हें पूछना हो तो आप उन्हें बोल सकते हैं, राइट द नेम्स ऑफ योर फोर फ्रेंड्स, जो उनके फ्रेंड्स हैं उनके कुछ नाम रहेंगे, तो जब बच्चा लिखेगा तो उन्हें समझ में आएगा, हाँ ये मेरे फ्रेंड्स का नाम है, तो ये भी नाउन है। राइट द नेम्स ऑफ फोर थिंग्स इन योर रूम, बच्चों के रूम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्कूल बैग, ज्योमेट्री बॉक्स, नोटबुक्स, वर्कबुक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। चार चीज़ें बोलो बच्चे को लिखने के लिए, तो बच्चे को ये भी समझ में आएगा कि ये भी नाउन है। नेम्स ऑफ फोर एनिमल्स एंड बर्ड्स यू लाइक, वो भी आप बोल सकते हैं उन्हें लिखने के लिए, तो उनमें उससे भी समझ में आएगा कि ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी नाउन हैं। दूसरी एक्टिविटी आप दे सकते हैं बच्चे को, जैसे कि मैंने एक ये सर्कल रखा है जैसे कि बॉल है, और उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हैं मैंने, और सर्कल दी नाउन्स, बच्चों को बोलना है इसे रीड करो और समझो उसमें से कौन से नाउन हैं, सेग्रीगेट करो, ग्रुपिंग करो, कैटेगरी कौन सी आती है, कौन से कैटेगरी में है,
पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसे सर्किल करो जो जो नाउन्स हैं। ये एक तरीका है, आप दूसरे तरीके से भी करा सकते हैं, जैसे कि आप एक फिशरमैन ड्रॉ करें, वो फिशिंग कर रहा है और उसे वही फिशेस पकड़नी है जो नाउन है, मतलब उस फिश पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, जैसे कि ऑरेंज, ड्रम, डियर, डोर, उस एक एक फिश पे नाम कुछ तो वर्ड लिखा हुआ है, अगर वो नाउन है तो आप उसे सर्कल करो। वैसे आप एक्टिविटी बच्चे को दे सकते हैं। दूसरा है, आप बच्चे को अंडरलाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे कि माय मॉम लव्स टी। अभी इसमें नाउन क्या है, मॉम, क्योंकि वो पीपल की कैटेगरी में आती हैं। लेट अस गो टू द पार्क, नाउन है पार्क, दैट इज़ अ प्लेस। आई एट टू मैंगोस, मैंगो इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ नाउन। देयर वॉज अ स्नेक इन द बास्केट, स्नेक इज़ एन एनिमल, सो दैट इज़ अ नाउन। बास्केट इज़ अ थिंग, सो दैट इज़ अ नाउन। द चर्च इज ओपन, चर्च इज़ अ प्लेस, सो दैट इज़ अ नाउन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन इज़ अ नाउन। अ लीफ इज ग्रीन इन कलर, लीफ इज ग्रीन इन कलर, सो दिस इज़ अ थिंग, सो दिस इज़ अ नाउन। प्लीज ओपन द डोर, डोर इज़ अ थिंग, सो यू नीड टू पुट सर्कल ऑन दिस नाउन। तो ये तरीका है बच्चों को नाउन का प्रैक्टिस कराने के लिए, समझाने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।